वो रेलगाड़ी की छुक छुक, वो कुलियों की दौड़ भाग, वो भारी भारी बक्से, वो हर स्टेशन का खाना, वो गर्मी की छुट्टियां। मुझे भी याद है, तो पिताजी का हर साल का भरत मिलाप होता था भोपाल में, और हम बच्चे साथ में चले जाते थे अपनी शरारतें करने। बट वो शहर, वहाँ का खाना और वहाँ की वो छोटी छोटी बारीकियां जो है ना, वो मेरे जहन में ऐसी बस गई कि भोपाल के खाने की बात तो बनती है। जब किसी डिश के पीछे कहानी जुड़ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो डिश मजेदार हो जाती है, और अगली डिश के साथ कहानी बहुत जबरदस्त जुड़ी हुई। पहले बेसन लेके आता हूँ, फिर कहानी सुनाता हूँ। बेसन, तो जो डिश हम बना रहे हैं ना, वो है बेसन की कंदैया। और बेसन की कंदैयों की कहानी ये कि पहले भोपाल में और आज भी जुमे को हलाली नहीं होती, मतलब गोश्त ना कटता है ना बनता है, तो इसके लिए सब लोग वेजिटेरियन खाते हैं। उस समय बेसन बहुत ज्यादा था, और बेसन की बहुत सारी डिशेस भोपाल में बनी, और कंदैया जो है वो शायद 1729 से आज तक चलती आ रही। कहानी अच्छी है तो डिश अपने आप अच्छी। तो बेसन में दही, थोड़ा जीरा और पानी। यहां पर मेन मतलब यह है कि थिक पेस्ट बनाना है। अगर बहुत पतला हो गया तो बाद में इसको सेट करना है, तो वो सेट नहीं होगा, और बहुत गाढ़ा हो गया तो बराबर से बेसन पकेगा नहीं, गांठें पड़ जाएंगी। तो न गाढ़ा ना पतला, यूं समझ लीजिए कि 3 कप बेसन में 1 कप दही और 1/2 कप पानी, बस। तो चाहे बचपन हो या आज, मेरे लिए जो चीज डिफाइन करती है ना भोपाल को, वो है भोपाल के बात करने का लहजा, भोपाल की लैंग्वेज। चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, आप खां हैं। और दूसरी चीज, अगर आप बहुत सारे दोस्त साथ में बैठे हैं, सब बन्ने खां हैं, और मेरे जैसे हैं तो फन्ने खां हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और बिल्कुल 1 पिंच मीठा सोडा डाला है। अगर तो दही खट्टा है तब तो ठीक है, अगर दही खट्टा नहीं है तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। दूसरी जो खूबी मुझे इस डिश की लगी, वो ये लगी कि आमतौर पर ऐसी जितनी भी डिशेज होती हैं, उसको बराबर से पका लेना है। बेसन को पकाना बहुत जरूरी है। अगर पकाने के लिए थोड़ा सा तेल और जाए, जैसा मुझे लग रहा है यहां पर जाएगा, तो डाल देना चाहिए। तेल से क्या है ना, एक तो बेसन है, कोई भी दाल वो खुश्क होती है, उसको जितना भी आप तेल और घी पिलाएंगे उतनी उसमें नरमी आएगी। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेल से वो भुनने का जायका आता है। तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए पक गया है, पूरा नहीं पकाना है, लेकिन 80% पकाना है, बिकॉज एक बार ये फ्राई भी होगा, जब फ्राई होगा तब पूरा पकेगा। बहुत बढ़िया, हल्की सी खटास, जो दही की खटास है ना, वो यहां तक आ रही है। खटास और बेसन का रिश्ता, एक्चुअली दही और बेसन का रिश्ता बहुत पुराना है। जब आदमी देखता है ना दही, बेसन, जीरा, तो आदमी समझ जाता है कि ये रेसिपी पुरानी है और कभी फेल नहीं हो सकती, बिकॉज इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। हल्की सी जगह बना रही ताकि बाद में बराबर से कट जाए। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, चाहे तो फ्रिज में 15 से 20 मिनट, जब तक बराबर ठंडा नहीं हो। तेल में सबसे पहले मेथी दाना, मेथी और धनिये का इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत ज्यादा है भोपाल में, चाहे हरी हो या फिर दाने वाला। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पूरा तरीका कि वेज में नॉन वेज का मजा कैसे दिया जाए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल में होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन पहली बार एक ऐसी कम्युनिटी जो नॉन वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन का मजा जुम्मे वाले दिन उठाना चाहती है, मेरे लिए नई डिस्कवरी है। मसाले में नमक, धनिया पाउडर, बहुत सारा धनिया पाउडर, हल्दी और देगी मिर्च। देगी मिर्च से क्या है ना, रंग आ जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा तीखा नहीं होगा। मसालों को बस हल्का सा भूनता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी अभी भुनाई और होगी, और वो भुनाई होगी दही के साथ। अगर पेस्ट वेस्ट वाली मेहनत नहीं करनी है, तो कंदैया जो है
उसकी ग्रेवी स्लाइस प्याज के साथ भी बनती, बड़ी अच्छी बनती है। बस बारीक कटा हुआ लहसुन, स्लाइस प्याज, हल्का सा मेथी और जीरे का तड़का, बस रंग देगी मिर्च का। तो अभी क्या हो रहा है ना कि दही अपना घी छोड़ रही है और दही के अंदर जो रजाइयत है, जो घी है, उसके अंदर मसाले भुन रहे हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पे समय देना है मसाले भुनने का। इसके बाद मसालों को भुनने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार पानी पड़ गया तो जो कहानी जहां पे है वो कहानी वहां पर ही रुक जाएगी। ये ग्रेवी जो गाढ़ी हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ दही और प्याज की वजह से गाढ़ी हो रही है। दही बहुत काम की चीज़ है और बहुत कम शहर ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने दही की महिमा समझी है, और लखनऊ और भोपाल उसमें से दो शहर। लखनऊ तो लाना ही है ना, मतलब अगर छुट्टियों में लखनऊ से चलते थे भोपाल तक पहुँचते थे। तो अब ये टेक्सचर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्सचर जो मीटीनेस है ना, वो ऐसे आती है। तेल नहीं डाला होता तो उसके अंदर वो खिंचाव नहीं आता, वो नरमी नहीं आती, तो फिर वो मीट जैसा टेक्सचर नहीं आता। इसके लिए तेल डालना बहुत जरूरी है बेसन में। और दूसरा, अगर दही नहीं डाला होता तो फिर ये लचीलापन और नरमी आधी रह जाती। तो किसी भी शेप में काट सकते हैं इसको। ये बर्फी वाला शेप पसंद है तो मैं इसको ऐसे काट रहा हूं। हल्के हाथ से, शेप नहीं खराब होनी चाहिए। क्या बात, अभी बराबर कलर आया, एकदम लाल। पूरा लाल नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, बेसन जब तेल से निकालो तो पकता रहता है, तो यहां रखेंगे तो भी और लाल हो। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है? अब इसमें हुआ ये है कि बाहर का बेसन पक चुका है और अंदर के बेसन का पानी खिंच चुका है। तो बाहर हालांकि परत है, लेकिन अंदर ये बेसन बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह हो चुका है। तो जैसे ही ग्रेवी में डालेंगे, ग्रेवी खींच लेगा। रोगन कितना खूबसूरत आया देखिए। अगर मिर्च अच्छी हो तो रोगन अपने आप अच्छा आता है। बराबर, अब आप कितने बड़े सूरमा हैं ये चलिए रेसिपी बताइए। एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं, झटपट वापस जाके एक बार देख लीजिए। एक कटोरा लेकर बेसन में दही, जीरा, पानी मिलाकर मोटा घोल बना लें। नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और मीठा सोडा मिलाएं। गरम पैन में बेसन का घोल डालें और इसको 2-3 मिनट तक पकाते रहें। उसके बाद तेल डालकर इसे भून लें। पके हुए बेसन को एक कटोरी में ठंडा होने दें। एक पैन में तेल गरम करके मेथी दाना, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और देगी मिर्च डालकर मसालों को भून लें। फिर इसमें थोड़ा दही डालकर धीमी आंच पर भूनने दें। इसमें पानी मिलाएं और अच्छे से चला लें। अब पैन में तेल गरम करके बेसन के टुकड़े काटकर तल लें। इसे करी में डालकर धनिया के साथ पेश करें। वेलकम बैक। मेरी गर्मी की छुट्टियों के भोपाल का सफर जारी है। तो भोपाल में चटोरी गली, तो चटोरी गली में बहुत कुछ मिलता था। मेरी फेवरेट डिश होती थी दही फुल्की, तो वही दही फुल्की की रेसिपी बना रहा हूं मैं। घरों की जो दही फुल्की है ना, वो ज्यादा पसंद मुझे इसलिए, बिकॉज ज्यादा मसाले नहीं होते, ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन जायका अच्छा है। वो दही फुल्की दिखाता हूं, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद बस आप सीधा ट्रेन का टिकट कटाएं और अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में भोपाल लेके जाए। अच्छा, ये सारी चीजें मैं बारीक काट के इसलिए रख रहा हूँ कि बाद में काम आएंगी, फुल्की के अंदर जाएंगी। तो ये कटिंग चॉपिंग पहले हो जाए ना, उसके बाद फिर टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। अब फुल्की का बैटर, बेसन,
और बेसन में नमक, हल्की सी हींग, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, मामूली सी लाल मिर्च, दही और पानी। प्लेटिंग के लिए बोल भी आ गया। अब मैंने क्या किया, तेल में ना मीठा सोडा घोल लिया और इसको बेसन में मिला दिया। तेल में मीठा सोडा घोलने से क्या होता है कि मीठा सोडा एकदम से एक्टिवेट नहीं होता, तो धीरे 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 मीठा सोडा अपना काम करता है। और दूसरा, तेल डालने का कारण यह है कि फुल्की का नरम होना बहुत जरूरी, तो जब तेल डालते हैं तो फुल्की नरम रहती है। तो अभी बैटर को कम से कम 15-20 मिनट छोड़ना है। अभी दही फुल्की का दही बना लेते हैं। नमक, शक्कर और पानी। इसमें पानी डालना बहुत जरूरी है। दही अगर पतला नहीं होगा ना, फुल्की जो है पानी नहीं खींचे। इसके लिए दही इतना पतला होना चाहिए कि फुल्की पानी खींच ले और उसके बाद दही की कंसिस्टेंसी सही हो जाए। ये ऐसे दही, फुल्की के दही को पतला कर लिया, बस हल्की सी मिठास, और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। तो इसकी जो शार्पनेस है, जो तीखापन है, वो कच्चे लहसुन से आएगा। और अब फुल्की, फुल्की के लिए जो बैटर हमने रेडी किया है, इसके अंदर मिर्च और प्याज, ऐसी इसकी छोटी छोटी नाजुक नाजुक फुल्की बनानी है। ऐसे एकदम गुब्बारे की तरह फूलनी चाहिए फुल्की। ये बस इसको ना थोड़ा सा सोडा डालना जरूरी है और रेस्ट कराना जरूरी है। अगर रेस्ट बराबर से हुआ है, सोडा डाला हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसको एक बार खोल के मैं समझा देता हूं कि हुआ क्या है अंदर। ऐसे बराबर से स्पॉन्जी बन गया ना, अब ये सारा दही को सोख लेगा। रहा नहीं जा रहा ना, मेरे से भी रहा नहीं जा रहा, बट कम से कम 2 घंटे तो रुकना पड़ेगा। अगर बराबर से अच्छा जायका चाहिए और फुल्की बराबर से दही को सोख कर ले, तो 2 घंटे रुकना पड़ेगा। और दही कम से कम इतना पतला, नहीं तो फुल्की अलग, दही अलग, दही सोख नहीं होगा, फुल्की कड़क हो जाएगी। बस दही को बघार लेते हैं। तेल, अब ये जो ट्रिक है मैंने घरों से सीखी है, तेल बर्बाद नहीं करना। अगर कढ़ाई में तेल चढ़ा है तो वो इस्तेमाल करो। करी पत्ता, मिर्ची और जीरा, और जीरा बहुत जरूरी है यहां पर। असल जायका जो है वो जीरे का है। दही और जीरे का कॉम्बिनेशन मतलब आंख बंद करके कामयाब है। ये देखिए क्या बढ़िया से दही पीना शुरू कर दिया। दही का बघार, वापस देख लीजिए कैसे बनी। एक कटोरी में बेसन, नमक, हींग, लाल मिर्च, दही और पानी डालकर इसका घोल बना लें। एक छोटे से कटोरी में तेल और मीठा सोडा मिलाकर उसको घोल में मिला लें। अलग से एक कटोरी में दही,
नमक, शक्कर, पानी, लहसुन का पेस्ट का मिश्रण बना लें। बेसन के घोल में बारीक कटी मिर्ची और प्याज डालकर इसकी छोटी फुल्की बनाकर तेल में तल लें। तली फुल्की को अलग करके दही में मिला लें। पैन के तेल में कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और जीरा डालकर भून लें और इसे दही फुल्की के ऊपर डालकर लुत्फ उठाएं। वेलकम बैक। अब भोपाल में अगर आए हैं गर्मी की छुट्टियों में तो लेक जाना बहुत जरूरी है ना, तो मेरी गर्मी की छुट्टियों में ये कंपलसरी होता था। पहले लेक में जाओ और उसके बाद मछली का सालन खाओ। ये तो लेक और धनिया की कहानी भी समझेंगे, साथ में मछली का सालन बना ले वरना लेट हो जाएगा प्रोग्राम। यू कुक ट्राईप्लाई कढ़ाई विद एचिंग में सबसे पहले तड़के की तैयारी। सरसों का तेल, इसका जो छौंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पत्थर के फूल, मेथी, काली मिर्च और दालचीनी। अब इसमें दोनों पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। अच्छा, इसमें प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक, या लाइट ब्राउन से थोड़ा ज्यादा पकाना है क्योंकि ग्रेवी का जो रंग है वो ब्राउन और येलो के बीच में रहेगा और वो रंग आएगा प्याज से। पर ये जो सालन है ना, ये सालन का प्यार शायद इतना हैदराबाद में नहीं होगा जितना भोपाल में। आप कभी भी चले जाओ, मतलब जैसे आंटी बोलती थी कि मच्छी लाओ सालन बनाना है सालन, वो पंजाबी स्टाइल में भी सालन बना लेती थी। अभी ब्राउन हो गया बराबर, हल्दी और ढेर सारा धनिया। तो पुरानी कहावत ये है, भोपाल में धनिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो बाद में समझ में आया कि क्योंकि भोपाल में सिर्फ वो दोनों लेक से पानी आता था और वो पानी बड़ा हार्ड होता था, बड़ा सख्त होता था, तो कई बार पेट के लिए सही नहीं होता हरा धनिया जो है, बिकॉज वो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, एक और मजे की चीज है जो और कहीं नहीं मिलेगी, पुराने भोपाली घरों में सालन में मट्ठा डाला जाता। तो जैसे दही को माथ के मक्खन निकाला और जो बच गया मट्ठा वो सालन में डाल दिया। बड़े बड़े शेफ भी नहीं सोच सकते होंगे कि मट्ठे से भी सालन बन सकता है, लेकिन भोपाल में घरों ने सोच लिया। धनिया का जायका ऑब्वियसली है और वो मट्ठे की जो खटास होती है ना, एक पुरानी खटास जो धीरे धीरे पकने के बाद मच्योर होती है, वो एक्चुअली सालन को मच्योर करेगी। और ढकना बिल्कुल नहीं, इसको धीरे 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 पकने देंगे तो अच्छी पकाते हैं। और अब मच्छी। अब भोपाल में ना मच्छी को साफ करने के लिए, इनके लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए पहले तो हल्दी डाली जाती है, फिर बेसन डाला जाता है। ये और एक यूनिक चीज है। ठीक है, हल्दी, नमक, बेसन। बताइए, इतनी मोहब्बत आपने किसी भी शहर की मछली की तरफ देखी है? मच्छी के ऊपर सॉल्ट और नींबू। हल्दी ऑलरेडी लगी हुई है तो हल्दी और नहीं लगाऊंगा। भोपाल में कुछ घरों में मछली को तल के डालते हैं और कुछ में मछली को ऐसे ही डाल देते हैं सालन में। हम लखनऊ वाले हैं तो हम हमेशा चीज़ें तल के ही डालेंगे सालन में। और मछली तलने के लिए सरसों के तेल से अच्छा कुछ नहीं। दिस मच वी कैन लर्न फ्रॉम बंगाल। क्या रूप रंग है। मछली में ना हल्की सी क्रस्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हल्की सी लाइट ब्राउन क्रस्ट आ गई, मतलब काम हो गया। इसलिए तेल के गर्म होने का इंतज़ार करना बहुत जरूरी। एक बार तेल गर्म हो जाए ना, मतलब हल्का सा धुआं निकलने लग जाए मस्टर्ड ऑयल से, तब डालनी है मछली। बस बहुत बढ़िया। बस मछली डालने के बाद कभी भी पलटा, कड़छी, चम्मच नहीं डाल, ढकना नहीं, प्रेशर नहीं देना, तसल्ली से भूनना और ग्रेवी को साफ होके ऊपर आने देना। और पहले ये आ गई मछली, लाल मिर्च और पिस्ता। तो तला पिस्ता और ऐसे लाल मिर्च का बघार जो है ना,
बड़े स्पेशल मौकों पे दिया जाता है। मुश्किल नहीं है रेसिपी, वापस से देख लीजिए चाहे तो। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके इसमें मेथी, पत्थर के फूल, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डालकर हल्का भूरा होने तक भून लें। फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से भूनें और मट्ठा मिलाकर पकने दें। फिर इसका सालन बनाएं। मछली के ऊपर हल्दी, नमक, बेसन डालकर उसको पानी से धो लें। अब कटी मछली पर हल्दी, नमक और नींबू डालकर तेल में तल लें और इसे सालन में डालकर पकने दें। अब तड़के के पैन में लाल मिर्च, पिस्ता साथ में भूनें और मछली के सालन के ऊपर धनिया डाल के परोसें। देखिए क्या मजे की बात है ना कि बड़े होके मैंने 57 देश घूमे। हम उम्र में बड़े हो जाते हैं, तमाम दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन छुट्टियां हमें वही याद रहती हैं जो छोटे शहरों की, अच्छे खाने की, असली लोगों की, उस कच्चेपन की, उस हिंदुस्तान की जो हमारे अंदर वसा हुआ। आपकी ऐसे छोटे शहर की कौन सी छुट्टी है और उस याद के साथ कौन सी रेसिपी जुड़ी हुई है, हमें ज़रूर बताएं।